हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज मनी हाइस्ट के सीजन 1 और सीजन 2 के बारे में। अभी फिलहाल उसका सीजन 4 रिलीज होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैं सीजन 1 और सीजन 2 की बात करूँ, क्योंकि सीजन 3 का जो मिशन है वो आपको सीजन 4 में कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मैं आपको 3 तारीख को उसका सीजन 4 रिलीज होगा तब मैं आपको सीजन 3 और सीजन 4 के रिव्यू कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको सीजन 1 और सीजन 2 के बारे में बताऊंगा। तो बस इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आप लोगों ने तो अपनी लाइफ में बहुत सारी वेब सीरीज देखी होगी। शुरुआत में ऐसा हुआ था कि मतलब जब वेब सीरीज शुरू हुई थी तो लोगों के बीच में इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, लेकिन धीरे 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 क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और मैं तो बोलता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जितनी वेब सीरीज बनती है, स्पेनिश हो, टर्किश हो, इंडियन हो, अमेरिकन, कोरियन हो, तो जितनी लैंग्वेज में वेब सीरीज बनती है, तो अगर आप टोटल सारी वेब सीरीज को अगर एक लिस्ट में लिख दोगे ना, तो उन सारी वेब सीरीज में से अगर कुछ बेस्ट वेब सीरीज निकालोगे तो उसमें से ये वेब सीरीज जिसका नाम है मनी हाइस्ट, ये आपको टॉप 10 में तो डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि ये वेब सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन साथ साथ जिस तरह से इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया ना सीजन 1 और सीजन 2 को, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्शन है। और जो इसके राइटर्स है ना, वो इतना जबरदस्त तरीके से इसकी पूरी कहानी लिखी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। ये अगर दोनों सीजन 1 और सीजन 2 की बात करें तो इसमें आपको तकरीबन 22 एपिसोड देखने को मिलते हैं, यानी कि सीजन 1 में 13 और सीजन 2 में 9। लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं से भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर टोटल ड्यूरेशन की बात हो तो करीब 18 से लेकर 19 घंटे आपको सीजन 1 और सीजन 2 टोटल देखने में लग जाएंगे, लेकिन ये 18 से 19 20 घंटे कहीं से भी आपके वेस्ट नहीं होंगे। अगर इस सीरीज कहानी की बात हो तो कहानी शुरू होती है टोक्यो से। टोक्यो मतलब कोई शहर का नाम नहीं ले रहा, यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है टोक्यो, और उसके अलावा यहाँ पर दूसरे और कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर देखने को मिलेंगे उनके नाम आपको यहाँ पर सिटीज के नाम पर दिए गए, जैसे कि एक का नाम है रियो, एक का नाम है टोक्यो, एक का नाम है बर्लिन, एक का नाम है डेनवर, एक का नाम है मॉस्को, एक का नाम है ओस्लो, और एक का नाम है हेरलिंस्की। और इन सबसे ऊपर जो इनके मास्टर माइंड है उसका नाम है प्रोफेसर। हालांकि ये सब नाम इन लोगों के ओरिजिनली है, लेकिन इस सीरीज में ये सब कुछ चीजें जो इस सीरीज को बहुत ही वर्थ वॉच बनाते हैं। उसके अलावा ये सीरीज में आपको इमोशन देखने को मिलेंगे, कॉमेडी सीन्स देखने को मिलेंगे, एक्शन देखने को मिलेगा, और साथ साथ एक ऐसी बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी जो आपने इससे पहले किसी मूवी या किसी सीरीज में नहीं देखोगे। बेसिकली कहानी की बात हो तो कहानी सिंपल सी है कि 2.4 मिलियन यूरो इन लोगों को चुराना है द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से, यानी कि वो जगह जहां पर पैसे छपते हैं, यानी कि नोट छपती है। तो वहां पर वो किस तरह से इसको चोरी करते, कैसे ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करते, क्या कुछ हमें अलग हटके देखने को मिलता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है मनी हाइस्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि सीरीज की क्या क्या चीजें मुझे अच्छी लगी। तो सबसे पहले इस सीरीज की जो अच्छी चीज लगी वो इसकी कहानी, जिस तरह से इसको राइटर ने लिखा और जिस तरह से इसमें हमें पास्ट और प्रेजेंट हर एक जो सीन दिखाई देते हैं वो सीन में आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होता, और हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में बताया गया। स्पेशली मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कुछ कैरेक्टर जो आपके दिल में उतर जाएंगे, जैसे कि प्रोफेसर 100% वो आप कैरेक्टर बहुत पसंद आएंगे। उसके अलावा टोक्यो, रियो, डेनवर और बर्लिन, ये चार ऐसे कैरेक्टर है जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। उसके अलावा मॉस्को का कैरेक्टर भी अच्छा, नैरोबी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ओस्लो, हेरलिंस्की, तो सभी का कैरेक्टर अच्छा। और राइटर ने इन सारे कैरेक्टर को ऐसा लिखा है कि मतलब जो भी ऑडियंस इस सीरीज को देखेगी ना, तो हर इजीली वो इन कैरेक्टर से कनेक्ट कर लेगी, और इसी वजह से आप ये पूरी सीरीज भी देखोगे और एंड में आप फील करोगे। इनमें से कोई जख्मी होगा तो आपको फील होगा, इनमें से कोई अगर मरने वाला होगा तो वो भी आपको बुरा फील होगा, और आप एंड तक इन्हें कोशिश करोगे कि यार ये लोग किसी भी तरीके से यहाँ से बच के निकल जाए। अब मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छा गया किसका काम लगा, तो वो है प्रोफेसर। उनके पास हमेशा कोई ना कोई प्लान रेडी रहता है, जब भी पुलिस वाले अगर प्लान ए सोचे तो उनके पास ऑलरेडी 3-4 प्लान उसके तैयार रहते हैं। और जिस तरह से प्रोफेसर ने पूरी इस रॉबरी को प्लान किया था 5 महीने से, और सिर्फ हमें ये 5 महीने बताया जब वो लोग को ट्रेन करता दूसरे कैरेक्टर को, लेकिन वो कई सालों से इसकी प्लानिंग करते रहता है और उसको सब कुछ पता था कि पुलिस इस मूवमेंट पे ये कदम उठाएगी, पुलिस उस मूवमेंट पे वो कदम उठाएगी, तो उसके लिए ऑलरेडी उसके पास 2-3 प्लान तैयार रहते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे प्रोफेसर के कैरेक्टर को बताया ना, मतलब उससे बड़ा जीनियस आपने किसी फिल्म में किसी हीरो को या किसी भी शख्स को आपने इतना जीनियस नहीं देखे जितना यहाँ पर आपको प्रोफेसर का कैरेक्टर इतना मिलता है। उसके अलावा स्पेशली मुझे एक कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, वो था बर्लिन का। बर्लिन का कैरेक्टर ऐसा है कि वो आपको कहीं आपको नेगेटिव फील होगा, कहीं कहीं आपको पॉजिटिव फील होगा, एंड में मैं बोलता हूँ आपको वो सरप्राइज कर देगा। उसके अलावा यहाँ पर डेनवर की बात हो तो डेनवर का कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा फनी भी लगेगा, कहीं कहीं बहुत खतरनाक भी लगेगा, लेकिन वो अलग हटके कैरेक्टर है। उसके अलावा एक कैरेक्टर जिसके नरेशन के थ्रू हमें पूरी सीरीज देखने को मिलती है वो है टोक्यो। तो बस मेरे हिसाब से ये सीरीज आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। अगर अब तक के आप लोगों ने नहीं देखे तो भाई जल्दी जाओ देखो नेटफ्लिक्स से, क्योंकि इसका सीजन 4 अप्रैल 3 को आने वाला, तो भाई जल्दी से देख लो ताकि अगर आप जब सीजन 4 देखो तो आपको कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो। तो बस इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूँ राशि शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट। तो हम लोग मिले कल किसी नए वीडियो में, टिल देन दुआ में रखना।